सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 के चैप्टर नंबर 5 को, जो कि है क्वालिटी। ये चैप्टर हमें बताता है कि एक आर्टिस्ट के अंदर तीन गुण होते हैं। पहला ये कि अपने काम में बहुत ही स्किल्ड होता है, दूसरा उसको अपने काम के प्रति बहुत ही रिस्पेक्ट होता है, तीसरा कि उसको काम में बहुत ही प्राइड फील होता है, यानी गर्व महसूस होता है। और एक ऐसे आर्टिस्ट है मिस्टर गैसलर, जो एक जर्मन शूमेकर है, उनके बारे में एक कहानी है। तो आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। राइटर है वो बताते हैं कि जब बहुत ही छोटे थे तब से वो मिस्टर गैसलर को जानते हैं, क्योंकि राइटर के पिताजी मिस्टर गैसलर से ही अपने जूते बनवाया करते थे। मिस्टर गैसलर के बारे में बताया गया है कि मिस्टर गैसलर लंदन में ही अपने भाई के साथ एक छोटे से स्ट्रीट में उनका दुकान है, उसमें रहते हैं। उनका दुकान बाकी दुकान से बहुत ही अलग है। क्यों? क्योंकि उनका दुकान का जो बोर्ड है ना, वो बहुत ही सिंपल है। उस पर सिंपल बस लिखा हुआ है गैसलर ब्रदर्स, बाकियों की तरह कोई फैशनेबल या फिर उस पर लोगो वगैरह नहीं लगे हुए। उनके दुकान के खिड़की से कुछ जूते दिखाई पड़ते हैं, जैसे आप सैंपल के तौर पर कह सकते हो। राइटर कहते हैं कि आप जैसा जूता बोलोगे वैसा वो जूता बना देंगे, वो भी बिल्कुल परफेक्ट फिट का। और ये बात उनको बहुत ही सरप्राइज करती है कि आखिर कोई इतना अच्छा जूता कैसे बना सकता है। इसके बाद राइटर जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो भी अपना जूता मिस्टर गैसलर से बनवाना शुरू कर देते हैं। तो राइटर बताते हैं कि इसी तरह एक बार जब मिस्टर गैसलर के पास गए थे जूते बनवाने के लिए, तो मिस्टर गैसलर उनका पैर का जब नापी ले रहे होते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या आपको ये काम थोड़ा मुश्किल नहीं लगता है। तो उस समय मिस्टर गैसलर थोड़ा स्माइल करते हैं, उनके चेहरे की जो दाढ़ी थे ना उसके ऊपर से उनका पूरा फेस दिख रहा था मानो जैसे लाल हो गया हो, और वो कहते हैं कि यह एक आर्ट है। देखो, जो कि मिस्टर गैसलर जर्मनी से बिलोंग करते हैं तो उनका थोड़ा इंग्लिश अलग है, जो कि यहाँ पे सही करके फिर बताया गया है। राइटर कहते हैं कि मिस्टर गैसलर के दुकान पर बार बार जा पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर आप उनसे एक टेम्पररी सूज ही बनाओगे तो वो इतना मजबूत बनाते थे कि मानो कोई जान उसमें उन्होंने फूंक दिया है कि वो जल्दी खराब ही नहीं होता था। तो यहाँ पे राइटर बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उनकी दुकान में जाता है तो बहुत ही शांत मन से जाता है, अंदर जाकर वो बैठता है, फिर मिस्टर गैसलर दौड़े दौड़े आते हैं। मिस्टर गैसलर उस समय बिना कोई कोट पहने हल्के झुके हुए हैं, यानी वो बूढ़े हो गए हैं तो थोड़ा सा पीठ उनका झुका दिखता है, और एक एप्रोन पहने हुए, स्लीव मोड़े हुए और आंखों को तेजी में ब्लिंक करते हुए नीचे आते हैं, जैसे कि मानो वो एक जूते के सपने से बाहर निकले हो। यहाँ पर जूतों के सपने का मतलब हुआ कि वो जा करके ऊपर दुकान के जो ऊपर वाला फ्लोर है उसमें जो भी ऑर्डर उनके पास आता है जूता का वो बना रहे होते। मिस्टर गैसलर कहते हैं राइटर कि आप कैसे हैं, और मिस्टर गैसलर से बोलते हैं कि मुझे एक रशियन लेदर बूट चाहिए। मिस्टर गैसलर सुनते हैं, जिस स्पीड से नीचे आए थे ना उसी स्पीड से दुकान के किसी कोने में चल जाते हैं। तो उस समय राइटर आराम से चेयर पर बैठे हुए मानो वहां की खुशबू को ले रहे होते, जैसे कि अगरबत्ती की खुशबू को लिया जाता है ना, वैसे उस खुशबू को उस दुकान में जो था लेदर का उसको ले रहे होते हैं। मिस्टर गैसलर आते हैं और उनके हाथ में गोल्ड ब्राउन लेदर होता है, वो उसको देख करके बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा पीस है। राइटर बोल देते हैं कि हाँ बहुत ही अच्छा है, फिर वो बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें कब चाहिए। तो राइटर बोलते हैं कि आपको जब सुविधा हो, मतलब जितनी आप जल्दी दे सकें आप दे दीजिएगा। तो उससे मिस्टर गैसलर ऐसे बोलते हैं कल, नहीं नहीं फॉर्टनाइट, यानी एक सप्ताह बाद, यानी मान लो वो खुद को ही अपना भाई समझ करके पूछ रहे हो खुद से कि कब दिया जाना पॉसिबल है। फिर वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं तुमको अपने भाई से पूछ करके बताऊंगा। अब यहाँ बताया हुआ है कि राइटर फिर एक और बात बताते हैं कि एक बार जब वो मिस्टर गैसलर के पास गया था और उन्होंने कहा कि मिस्टर गैसलर आपने जो जूते दिए थे वो क्रीक कर गए हैं। क्रीक करते हैं कि जब भी आप कोई जूते पहन के चलते हो तो कुछ ऐसा होता है कि उसमें से आवाजें आने लग जाती है, चीची करके कुछ आवाजें आने लग जाती है। तो मिस्टर गैसलर तो ऐसे हैरान होकर देख रहे थे मानो कि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था, और चाह रहे थे कि राइटर अपने शब्द को वापस ले ले। लेकिन जब राइटर भी शांत खड़े रहते हैं तो वो ऐसा बोलते हैं कि नहीं, तुमने उन्हें जरूर जो है जब एक दूसरे से भी मिले नहीं होंगे तुमने उनको भिगा दिया होगा, यानी कि जब नए जूते बने होंगे तो तुमने उसको यूज कर लिया होगा, उसको भिगा दिया होगा, इस वजह से उसके अंदर जो ग्लू वगैरह लगाए गए होंगे वो हट गए होंगे और इस वजह से वो आवाज कर रहे हैं। तो राइटर बोलते हैं नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो अब उनको विश्वास नहीं होता है तो वो थोड़ा देर रुक करके बोलते हैं कि देखो बहुत सारे ऐसे लेदर ही होते हैं जो कि अच्छे क्वालिटी का नहीं होता, यानी स्टार्टिंग से ही बहुत ही खराब होते हैं, तो ये भी उनमें से एक हो सकता है। अच्छा तुम एक काम करो, तुम जूते ला करके दो, मैं उसका जो पैसा है ना वो बिल पे से काट दूंगा और मैं देखता हूँ फिर। राइटर कहते हैं कि सिर्फ एक बार, यानी लाइफ में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था कि उन्हें बहुत ही इमरजेंसी था और वो किसी दूसरे फॉर्म यानी किसी बड़ी कंपनी का जूता पहने हुए चल दिए मिस्टर गैसलर के दुकान में। अब मिस्टर गैसलर के दुकान में जाकर के वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा जूता चाहिए जैसा उनको चाहिए रहता है। तो इस बार ऐसा हुआ कि मिस्टर गैसलर बिना कोई लेदर दिखाए डायरेक्ट उनका ऑर्डर ले लेते हैं, क्योंकि उस समय वो सिर्फ देख रहे होते हैं उस जूते की तरफ जो राइटर ने पहना हुआ था। अब वो पूछ देते हैं कि ये तो मेरे जूते नहीं है। अब इनका जो टोन था ऐसा नहीं था कि वो बहुत ही गुस्सा थे या बहुत ही उदास थे,
बल्कि ऐसा उनका आवाज का बोली था जैसे मानो कि जो राइटर के अंदर का जो खून है ना उसको जमा दिया। ठीक है, ऐसे फिर अपने हाथ को राइटर के जो पैर है लेफ्ट उस पर ले जाकर दबाते हैं जहां पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हुआ था राइटर को, और वो बोलते हैं कि यहाँ पे तुम्हें हर्ट कर रहा होगा, यानी थोड़ा दर्द हो रहा होगा। तो फिर वो बोलना शुरू करते हैं कि जो बड़े फॉर्म्स हैं उनको कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो अच्छे जूते नहीं बनाते वगैरह वगैरह। और उस समय राइटर को ये फील आता है कि कितनी मुश्किलों से कितने हार्डशिप से गुजरते हैं मिस्टर गैसर और अपने जूते को इतना परफेक्ट बनाते हैं। मिस्टर गैसर कहते हैं कि उन्हें ये सब कुछ मिला, यानी उन्होंने सब कुछ लिया है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के दम पर, कोई भी काम उन्होंने नहीं किया है। फिर वो कहते हैं कि मेरे पास जितने कस्टमर्स थे उनमें से बहुत सारे कस्टमर उन्होंने ले लिए और बाकी जितने भी कस्टमर्स थे वो सबको वही लेते जा रहे हैं, और इस वजह से हर साल मेरी आमदनी पिछले साल के मुकाबले बहुत कम होती जा रही है। ये सुनने के बाद राइटर को ये फील हुआ कि कितना बिटर स्ट्रगल कर रहे हैं मिस्टर गैस्टर, यानी उनकी जो दाढ़ी बड़े बड़े से दिख रहे हैं, जो ग्रे दाढ़ी, कभी इन्होंने पहले इतना ध्यान नहीं दिया था, अब इन्हें फील आ रहा है कि इनके लाइफ में कितना ज्यादा स्ट्रगल है। अब ये सुनने के बाद राइटर बहुत ही उदास हो जाते हैं और उन्होंने बहुत सारे जूते फिर ऑर्डर कर दिए, और इतने जूते थे कि वो लगभग 2 साल तक फिर टिके। जब बहुत महीने बाद वापस राइटर मिस्टर गैसर की दुकान में जाते हैं तो उनको ऐसा लग रहा होता है कि मिस्टर गैसर के बड़े भाई जूते बना रहे होते हैं। तो वो जाकर के पूछते हैं कि मिस्टर गैसर कैसे हैं आप, अब जो कि दोनों ही गैसलर ब्रदर्स थे जिसे यहाँ पर मिस्टर गैसर बोलते हैं। तो वहां से वो मिस्टर गैसर बोलते हैं कि मैं तो सही हूँ लेकिन मेरा जो बड़ा भाई है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब ये सुनने के बाद वो बहुत ही नहीं उदास हो जाते हैं और बोलते हैं कि आई एम सॉरी करके। तो मिस्टर गैसर बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा आदमी था वो, बहुत ही अच्छे जूते बनाता था, और देन अपने ऐसे सिर पर जो अपने हाथ को रख लेते हैं, उनके बाल बहुत ही झड़ चुके थे और जहां पर बाल नहीं था बिल्कुल वहां पर अपने हाथ कैसे रखते हैं। तो राइटर कहते हैं कि मानो वो इनके बाल जो गिरे हैं पूरे ये उनके भाई की जो डेथ है उसके वजह से गिरे हैं। देन मिस्टर गैसर बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें कोई जूते चाहिए, ये बहुत ही सुंदर पीस है लेदर का। राइटर ने कुछ जूते ऑर्डर कर दिए। इस बार जूतों को आने में पहले से थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन इस बार के जूते इतने अच्छे थे कि कोई सिंपली उसको पहन करके वियर देम आउट यानी खराब नहीं कर पाता। राइटर को फिर जाना पड़ गया विदेश, तो वो चले जाते हैं और 1 साल के करीब में लगभग वो वापस आते हैं। राइटर यहाँ पे अब कहते हैं कि जिस व्यक्ति को मैंने 60 साल की उम्र पे छोड़ा था अब वो 75 का लग रहा था। अब देखो इसका दो मीनिंग हो सकते हैं यहाँ पर। पहला ये कि वो 60 साल की उम्र में मिस्टर गैस्टर से मतलब मिलते हैं, उनसे अपना जूते बनवाते हैं और अब उनकी एज 75 हो गई हो। दूसरा हो सकता है कि जब वो 1 साल के लिए लगभग विदेश गया ना, तो उस बीच जो मिस्टर गैसलर का बॉडी था वो बहुत ज्यादा बूढ़ा दिख रहा था, तो इस वजह से वो इस टाइप से एज को ज्यादा बढ़ा करके बोल रहे हैं, यानी इन दो में से कोई एक चीज हो सकता है। तो राइटर कहते हैं कि जब वो आया था अपने ओल्ड फ्रेंड यानी मिस्टर गैसलर को डिनोट कर रहे होते कि अब उनसे मिलने जाते हैं। मिस्टर गैसलर नहीं पहचान पाते हैं कि राइटर को, ठीक है देख करके। तो मिस्टर गैसलर राइटर से पूछते हैं कि आपको जूते चाहिए, मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी जूते बना सकता हूँ कुछ ही वक्त में। राइटर भी कहते हैं कि हाँ आपके पास जितने तरह के जूते हैं मुझे वो सब चाहिए। अब एक शाम वो सारे जूते जितने भी उन्होंने ऑर्डर किए थे वो उनके घर पर आते हैं, तो वो उसको पहन करके सबको ट्राई करते हैं। जब वो पहन लेते हैं तो उनको इतना अच्छा लगता है कि वो जाते हैं नीचे अपने रूम से और फिर चेक काटते हैं और उनके नाम पर, मिस्टर गैसर के नाम पर लिख के डाल देते हैं। तो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुश थे। फिर हुआ कि वो 1 सप्ताह बाद जब वहां से गुजर रहे होते हैं तो वो सोचते हैं कि चलो दुकान में जा करके मैं बोल आता हूँ कि मिस्टर गैसर इस बार के जूते आपके बहुत ही मस्त थे। लेकिन जैसे ही वो दुकान के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उस दुकान पे का जो बोर्ड था वो हट चुका था, यानी वो जो गैसलर ब्रदर लिखा हुआ था वहां पर नहीं था। राइटर बहुत ही घबरा जाते हैं। वो दुकान पर जाता है तो देखते हैं कोई दूसरा इंग्लिश मैन जो होता है वो बाहर निकलता है। राइटर पूछते हैं कि मिस्टर गैसलर कहाँ है, तो वो आदमी बोलता है कि वो तो यहाँ पर नहीं है, बट आपको जो भी हेल्प चाहिए हम कर सकते हैं क्योंकि अब ये दुकान पर हमने टेक ओवर कर लिया, यानी ये दुकान अब हमने ले लिया। तो राइटर बोलते हैं वो तो ठीक है बट मिस्टर गैसलर कहाँ है। वो आदमी बोलता है कि मिस्टर गैसलर मर चुके हैं। राइटर बोलते हैं अरे यार पिछले ही सप्ताह वेंसडे को मैंने उनसे जूते लिए थे तो ये कैसे हो सकता है। वो राइटर बोलता है कि स्टारवेशन यानी भूख की वजह से, यानी वो भूख की वजह से धीरे धीरे मर गए। वो बोलता है आदमी आगे कंटिन्यू रखता है कि आखिर एक व्यक्ति वो जो था वो सुबह उठता था, आता था दुकान पर और दुकान को खुला रखता था, उसके अलावा कोई भी एक सोल यानी यहाँ पे आत्मा को बोला गया है कि उसके अलावा कोई भी आदमी उसके जूतों को छूता भी नहीं था। अब छूने का मतलब हुआ कि कोई भी उनके दुकान में नहीं आता था, और जब भी उन्हें कोई ऑर्डर क्योंकि मिलता तो वो इतना टाइम लेते कि अब लोग उतना वेट ही नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से उनके पास जितने भी ग्राहक थे उन्होंने धीरे धीरे फिर सबको खो दिया। वो यहीं पर दुकान में बैठे रहते थे और यहीं पर पूरे दिन बिता दिया करते थे। वो व्यक्ति कहता है कि मैं कहता हूं और ये मानता भी हूं कि उसकी तरह कोई भी पूरे लंदन में जूता नहीं बनाता था, लेकिन आप देख सकते हो इस कंपटीशन को, यानी वो कहीं भी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया।
अब देखो एडवर्टाइजमेंट करने से फायदा ये रहता है कि आपको नए नए कस्टमर मिलते हैं, तो लोग को दिखता है, किसी किसी को लगता है कि हाँ इसके जूते जब बेटर है दूसरों से तो लोग शिफ्ट करते हैं। बट बिना एडवर्टाइजमेंट के जो लोग थे उसके पास वो भी दूसरी जगह चले गए, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट स्टारवेशन यानी वो भूख के कारण मर गया, थोड़ा अजीब बात है बट यही सच है कि वो भूख से फिर मर गया। वो व्यक्ति यहाँ पर हर दिन बैठा रहता था और अपने जूतों के बीच में बैठा रहता था और हमेशा ही देखता रहता था, ना ही कभी खाता था ना कुछ, वहीं पर सिर्फ बैठा रहता था। उसके घर में 1 रुपये भी नहीं थे और जितने भी रुपए उसके पास थोड़े बहुत भी आते थे, लाइक कोई आदमी आके जूता बनवा लिया वगैरह, तो वो भी रेंट देने में चला जाता था। यानी वो जितना भी जिया है, मैं कहूंगा कि उसने एक लंबी जीवन जी है इस तरह के माहौल में, यानी नहीं होता है कॉम्पिटिशन में पूरा करते हुए फिर भी वो स्टिल इतना लंबा जिया है। आगे वो कहता आदमी कि वो अपने अंदर की आग को जो है ना धीरे धीरे जाने दिया। तब वो आदमी बोलता है कि वो एक कैरेक्टर था, मतलब एक आदमी था, वो बहुत ही अच्छे जूते बनाते थे। हाँ आपने सही सुना, वो मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत ही अच्छे जूते बनाते थे। इस तरह चैप्टर एंड होता है, बट लास्ट में आप ये देख सकते हो कि एक आर्टिस्ट के ऊपर ये पूरा कहानी था। तो ये बता रहा है कैसे एक आर्टिस्ट अपने आर्ट के प्रति इतना जुड़ा रहता है कि वो यहाँ तक, मतलब मिस्टर गैसा जान रहे थे कि वो अब नहीं चल रहा होगा दुकान, तो वो मर जाएंगे धीरे धीरे, बट स्टिल वो अपने ही काम से जुड़े रह गए, यानी अपने आर्ट से ही वो जुड़े रह गए। तो ये पूरा इस कहानी में था एक आर्टिस्ट के ऊपर। आशा आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में।